हेलो स्टूडेंट्स, आज की जो वीडियो है वो सिलाजिनेला का पार्ट टू है। और इस पार्ट टू में मैंने सोचा कि जो राइजोफोर हमने जो एक्सटेंडेड मॉर्फोलॉजी में ये जो स्ट्रक्चर पढ़ा था राइजोफोर, तो इसको हम थोड़ा सा डिटेल में बताते हैं कि राइजोफोर होता क्या है, उसका मॉर्फोलॉजिकल नेचर जो है उसकी बेसिस पे क्या क्या हाइपोथेसिस अलग अलग लोगों ने दी, और इसका इंटरनल स्ट्रक्चर क्या है। तो इस वीडियो में हम ये सारी चीज़ें डिटेल में पढ़ेंगे। तो ये सिलाजिनेला का पार्ट टू है, इसमें हम राइजोफोर को पढ़ने जा रहे हैं। तो सबसे पहले राइजोफोर होता क्या है इसको समझते हैं। ये स्ट्रक्चर जो है अराइज फ्रॉम द प्रोस्ट्रेट एक्सिस एट द पॉइंट ऑफ डाइकोटोमी एंड एलोंगेट्स डाउनवर्ड। यानी कि जो राइजोफोर है हमारा, जो सिलाजिनेला में देखने को मिला है, ये जो स्ट्रक्चर है वो अराइज हुआ है प्रोस्ट्रेट एक्सिस से। यानी कि जो सिलाजिनेला है वो कोई कोई स्पीशीज उसकी इरेक्ट होती है और कोई कोई प्रोस्ट्रेट होती है, नीचे की साइड को होती है। तो उसमें राइजोफोर जो है वो अराइज होता है प्रोस्ट्रेट एक्सिस से, है ना। और जो है एलोंगेट कहाँ से होता है, डाउनवर्ड नीचे की साइड को एलोंगेट मतलब बढ़ता है। इट इज अ कलरलेस, यानी कि इसमें कोई भी कलर नहीं है, लीव्स नहीं है, लीफलेस स्ट्रक्चर है, कोई भी ब्रांचिंग नहीं है, अनब्रांच्ड है, और सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर है, सिलेंड्रिकल शेप का स्ट्रक्चर है। एज सून एज द फ्री एंड ऑफ राइजोफोर टचेज द सॉइल, जैसे जैसे राइजोफोर का जो फ्री एंड है वो सॉइल को टच करता है, इट डेवलप्स अ टफ्ट ऑफ एडवेंटिशियस रूट्स एट इट्स फ्री एंड। और वो क्या करता है कि जो उसका फ्री एंड है उस पर एक एडवेंटिशियस रूट्स जो है वो डेवलप होती हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट पॉइंट कहता है इट डिफर्स फ्रॉम रूट, लेकिन वो जो है रूट से डिफरेंट है क्योंकि उसमें कोई भी रूट कैप नहीं है, और स्टेम से डिफरेंट है क्योंकि उसमें कोई भी लीव्स प्रेजेंट नहीं है। तो राइजोफोर की ये जो बात है कि वो रूट है लेकिन रूट नहीं है ये, और स्टेम है लेकिन लीव्स नहीं है, तो ये सब क्या चीज़ें हैं, इसको समझाने के लिए कुछ लोगों ने इसकी मॉर्फोलॉजिकल नेचर पे कुछ हाइपोथेसिस दी गई हैं, हम उसको पढ़ने वाले हैं। अब जो है राइजोफोर के मॉर्फोलॉजिकल नेचर को समझाने के लिए कुछ हाइपोथेसिस दी गई हैं, उसमें से तीन हाइपोथेसिस के बारे में हम यहाँ पढ़ने वाले हैं। पहली है कैपलेस रूट हाइपोथेसिस, दूसरी आती है लीफलेस हाइपोथेसिस, और तीसरी है सी जेनेरिस हाइपोथेसिस, ठीक है। तो हम एक एक करके पढ़ेंगे। पहला पॉइंट कहता है द फॉलोइंग व्यूज रिगार्डिंग द मॉर्फोलॉजिकल नेचर ऑफ राइजोफोर हैव बीन प्रपोज्ड। कुछ व्यूज जो है मॉर्फोलॉजिकल नेचर को देखते हुए राइजोफोर के प्रपोज किए गए हैं, जिसमें पहली आती है कैपलेस रूट हाइपोथेसिस। यानी कि रूट तो है ये लेकिन कैपलेस है, उसमें कैप नहीं प्रेजेंट है ना, कुछ लोगों ने ये बात कही। तो जैसे उन लोगों में कौन कौन आता है, अकॉर्डिंग टू हार्वे गिप्सन 1902 में, उपॉफ 1920, वोचॉक एंड ससेक्स 1974, द राइजोफोर इज अ कैपलेस रूट। इन लोगों ने कहा कि ये राइजोफोर जो एक नया स्ट्रक्चर है वो कैपलेस रूट है, यानी कि रूट तो है लेकिन उसमें कैप प्रेजेंट नहीं है, रूट कैप प्रेजेंट नहीं है। और फिर उन्होंने अपनी हाइपोथेसिस के बिहाफ पे कुछ पॉइंट्स कहे उसको समझाने के लिए। तो उसका पहला पॉइंट कहता है कि इट इज पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक। नेक्स्ट पॉइंट उन्होंने अपनी हाइपोथेसिस को समझाने के लिए कहा कि इट इज अ लीफलेस स्ट्रक्चर, ये एक कैपलेस रूट है, क्यों, क्योंकि इसमें लीफलेस स्ट्रक्चर है, कोई लीफ प्रेजेंट नहीं है, तो ये स्टेम हो ही नहीं सकता, तो ये रूट ही है लेकिन कैसा है, कैपलेस है। इट इज ऑलमोस्ट सिमिलर इन एनाटॉमी ऑफ द रूट। अगर हम राइजोफोर के इंटरनल स्ट्रक्चर की बात करें अभी जो कि हम पढ़ने वाले हैं, तो अगर उसकी एनाटॉमी मतलब इंटरनल स्ट्रक्चर की बात करें, तो रूट की जो इंटरनल स्ट्रक्चर है, एनाटॉमी है, उससे ये बहुत सिमिलर है, ऑलमोस्ट सिमिलर है, इसलिए ये कह रहे हैं कि ये कहीं ना कहीं रूट की तरह है, बस कैप नहीं है, रूट कैप नहीं है। और इट हैज मोनोस्टेलिक स्टील, जो स्टील है उसकी वो सिंगल है, मोनो स्टील है। तो इन लोगों ने क्या कहा कि ये राइजोफोर क्या है, एक रूट है लेकिन कैपलेस है। फिर उसके बाद नेक्स्ट एक हाइपोथेसिस आई जिसमें जो है वो अकॉर्डिंग टू वर्ल्डस्टेल विलियम्स एंड क्यूजिक, इन लोगों के अकॉर्डिंग देखा गया कि इन्होंने कहा कि राइजोफोर जो है वो हमारा शूट है, यानी कि स्टेम का पार्ट है लेकिन उसमें लीव्स नहीं है, तो यानी कि लीफलेस शूट हाइपोथेसिस दी गई, यानी कि वो स्टेम है लेकिन लीव नहीं प्रेजेंट, मतलब लीफ प्रेजेंट नहीं है, तो वो लीफलेस स्टेम है। तो उन्होंने अपनी हाइपोथेसिस को समझाने में क्या कहा कि रूट इसलिए नहीं है क्योंकि उसमें रूट कैप प्रेजेंट नहीं है, यानी कि रूट कैप एब्सेंट है, रूट हेयर्स एब्सेंट है,
और द ओरिजिन इज एक्सोजेनस, जो ओरिजिन है उसकी वो इंटरनल नहीं है, एक्सोजेनस है, बाहर की साइड है। व्हाइल द रूट डेवलप्स एंडोजेनसली, और रूट जो हमारी होती है वो एंडोजेनसली होती है, यानी कि उसकी ओरिजिन जो होती है वो इंटरनल होती है, लेकिन यहाँ पे एक्सटर्नल ओरिजिन हुई है। तो ये रूट कहाँ से हुआ, ये तो शूट। इट अराइजेस फ्रॉम एन एंगल मेरिस्टम बिटवीन द टू ब्रांचेस विच इज कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ स्टेम। और फिर उन्होंने कहा कि ये जो है एक एंगल मेरिस्टम से अराइज हो रहा है, जो कि एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है स्टेम का। अंडर आर्टिफिशियल कंडीशन द राइजोफोर गिव राइज टू लीफी शूट। और फिर अगर उसको आर्टिफिशियल कंडीशन में रखा जाएगा राइजोफोर को, तो वो एक लीफी शूट बनाएगा। तो इन लोगों ने, वर्जिल जो थे, विलियम्स जो थे और क्यूजिक जो थे, इन लोगों ने कहा कि ये एक शूट है, लेकिन कैसा है, लीफलेस है, यानी कि उसमें कोई भी लीफ प्रेजेंट नहीं है। फिर उसके बाद एक थर्ड हाइपोथेसिस आई, जिसका नाम दिया गया सी जेनेरिस हाइपोथेसिस। जेनेरिस का मतलब होता है यूनिक, है ना, यूनिक मतलब जो चीज़ कहीं भी ना देखने को मिले। अकॉर्डिंग टू गोबेल बोवर द राइजोफोर इज एन ऑर्गन। गोबेल और बोवर के अकॉर्डिंग उन्होंने कहा कि राइजोफोर एक ऑर्गन है जो कि सी जेनेरिस टाइप का है, जिसका मतलब होता है हैविंग एब्सोल्युटली नो पैरेलल स्ट्रक्चर एनी वेयर इन द प्लांट किंगडम, यानी कि पूरे प्लांट किंगडम में इस जैसा कोई भी स्ट्रक्चर देखने को नहीं मिला है। दस इट इज ऑल टुगेदर अ न्यू स्ट्रक्चर। इन दो लोगों ने कहा कि जो राइजोफोर है वो हमारा एकदम यूनिक स्ट्रक्चर है, एकदम न्यू स्ट्रक्चर है, ऐसा स्ट्रक्चर प्लांट किंगडम में अभी तक देखने को नहीं मिला। फिर उसके बाद स्कॉल जो थे 1938 में, उन्होंने कहा कि रिगार्डेड राइजोफोर एज स्पेशलाइज्ड स्टेम है। इन्होंने क्या कहा 1938 में, कहा कि राइजोफोर जो हमारा है वो एक स्पेशल स्टेम का मॉडिफिकेशन है इन द डायरेक्शन ऑफ रूट। क्या है, एक स्पेशल स्टेम है जो कि मॉडिफाई हुआ है रूट की डायरेक्शन में, इन द डायरेक्शन ऑफ रूट, बिकॉज ऑफ द रूट बेयरिंग नेचर, क्योंकि इसका नेचर जो है कहीं ना कहीं रूट से सिमिलर है। तो इसलिए उन्होंने कहा कि एक स्पेशल स्टेम है जो कि रूट की तरफ को डायरेक्शन दे रहा है, क्योंकि उसका जो नेचर है वो रूट बेयरिंग नेचर है। तो ये तीन हाइपोथेसिस दी गई अलग अलग, जिसमें कैपलेस दी गई, लीफलेस शूट दी गई और सी जेनेरिस हाइपोथेसिस दी गई। अब हम राइजोफोर के इंटरनल स्ट्रक्चर की बात करते हैं, जिसमें क्या कह रहा है कि द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ राइजोफोर इज ऑलमोस्ट सिमिलर टू दैट ऑफ रूट। यानी कि जब हम रूट का इंटरनल स्ट्रक्चर पढ़ेंगे तो देखेंगे कि कहीं ना कहीं राइजोफोर से एकदम सिमिलर है। इट इज ऑल्सो सर्कुलर इन आउटलाइन, जैसे रूट का जो इंटरनल स्ट्रक्चर है वो सर्कुलर है आउटलाइन में, वैसे ही सेम राइजोफोर का भी स्ट्रक्चर जो है सिमिलर है, क्योंकि उसका भी आउटलाइन जो है वो सर्कुलर है, है ना। इट शोज द फॉलोइंग स्ट्रक्चर, इसमें कुछ स्ट्रक्चर्स देखने को मिलते हैं। जैसे पहला आता है हमारा एपिडर्मिस। एपिडर्मिस क्या होता है, इट इज अ सिंगल लेयर एंड आउटर वॉल ऑफ द एपिडर्मल सेल इज कवर्ड विद थिक क्यूटिकल, यानी कि एपिडर्मिस होता है सबसे बाहर वाला, बाहर वाली जो वॉल होती है उसको एपिडर्मिस कहते हैं। एपिडर्मिस को एक सिंगल थिक, एक मोटी सी परत है जिसको कहते हैं क्यूटिकल, उसने घेर रखा है चारों तरफ से, ठीक है। रूट हेयर्स एंड स्टोमेटा आर एब्सेंट, इसमें रूट हेयर्स प्रेजेंट नहीं है और स्टोमेटा भी प्रेजेंट नहीं है, तो ये दोनों चीजें एब्सेंट है। नेक्स्ट आता है हमारा कॉर्टेक्स, यानी कि एपिडर्मिस के जस्ट बाद वाला रीजन क्या कहलाता है, कॉर्टेक्स, जिसमें इनर टू द एपिडर्मिस इज प्रेजेंट अ वाइड जोन ऑफ कॉर्टेक्स डिफरेंशिएटेड इनटू आउटर स्क्लेरेंकाइमेटस एंड इनर पेरेंकाइमेटस जोन। यानी कि जो कॉर्टेक्स है उसमें दो टाइप के सेल्स प्रेजेंट हैं, स्क्लेरेंकाइमेटस और इनर साइड जो है वो पेरेंकाइमेटस है, यानी कि जो बाहर की साइड है वहाँ पे एपिडर्मल जो एपिडर्मिस के पास है वो वाले स्क्लेरेंकाइमेटस है, और जो अंदर की साइड है एंडोडर्मिस की साइड वो वाले पेरेंकाइमेटस नेचर के। अभी जब हम स्ट्रक्चर देखेंगे तो ये सारी चीज़ें आपको समझ आ जाएंगी। नेक्स्ट आता है हमारा एंडोडर्मिस। एंडोडर्मिस क्या है, इट इज एन इनर मोस्ट लेयर ऑफ द कॉर्टेक्स। कॉर्टेक्स के बाद जो इनर मोस्ट लेयर होती है उसको एंडोडर्मिस कहते हैं, नाम से ही आपको समझ आ रहा होगा, एंडो मतलब अंदर की साइड। इट इज इल डिफाइंड सिंगल लेयर स्ट्रक्चर, ये एक सिंगल लेयर स्ट्रक्चर है। फिर उसके बाद एंडोडर्मिस के बाद एक पतली सी लेयर और आती है जिसको कहते हैं पेरिसाइकिल। इनसाइड द
एंडोडर्मिस इज प्रेजेंट अ सिंगल लेयर पेरेनकाइमेटस पेरिसाइकिल, जो पेरिसाइकिल है उसके सेल कैसे हैं, पेरेनकाइमेटस हैं। पेरेनकाइमेटस सेल कैसे होते हैं, यानी कि जो ऐसे बड़े बड़े सेल्स होते हैं उनके बीच में एयर स्पेस प्रेजेंट होती है, मतलब कुछ कुछ ऐसे खाली जगह थोड़ी सी प्रेजेंट होती है, वो होते हैं पेरेनकाइमेटस सेल। नेक्स्ट हमारा आता है स्टील की बात करते हैं। स्टील किस टाइप का प्रेजेंट है, इट इज टिपिकली अ प्रोटो स्टील, यानी कि क्या प्रेजेंट है, प्रोटो स्टील प्रेजेंट है। प्रोटो स्टील क्या होता है, अगर स्टील के बारे में आपको डिटेल में पढ़ना है तो मैंने पूरी स्टील की एक वीडियो बना रखी है, आप मेरे चैनल पे पढ़ सकते हैं डिटेल में। तो यहाँ पे मैं सिर्फ इतना बताऊंगी कि प्रोटो स्टील कैसी होती है। द जाइलम इज सराउंडेड बाय फ्लोएम, यानी कि फ्लोएम को जाइलम चारों तरफ से सराउंड करता हो, है ना, चारों तरफ से जाइलम प्रेजेंट हो फ्लोएम के, तो ऐसी कंडीशन को प्रोटो स्टील कहते हैं। जाइलम शोज डिस्टिंक्ट प्रोटोजाइलम एंड मेटाजाइलम एलिमेंट्स, और इस जाइलम में जो है, जो जाइलम इसको घेर के रखता है, उसमें जो है कौन कौन सी चीज़ें, जाइलम के जो टाइप्स हैं वो प्रोटोजाइलम और मेटाजाइलम जो है प्रेजेंट है उसमें। फिर नेक्स्ट पॉइंट कहता है द पोजीशन ऑफ प्रोटोजाइलम, है ना, द पोजीशन अगर प्रोटोजाइलम की देखी जाए इज डिफरेंट इन डिफरेंट स्पीशीज, मतलब सिलाजेनेला के जितने भी स्पीशीज हैं अलग अलग स्पीशीज में अलग अलग पोजीशन है प्रोटोजाइलम का, मतलब जो जाइलम का जो कंडीशन है वो अलग अलग टाइप की है, कि प्रोटोजाइलम कभी जो है एक्सार्च कंडीशन है, कभी मिजार्च कंडीशन है, तो ये सारी चीज़ें अलग अलग स्पीशीज में अलग अलग देखने को मिलेंगी। अब जैसे कुछ एग्जांपल हम बता दें यहाँ पे कि इन सिलाजेनेला मार्टिनसाई, मार्टिनसाई की अगर बात करें तो जाइलम जो है वो एक्सार्च कंडीशन का है एंड मोनार्क कंडीशन है, है ना। नेक्स्ट हमारा आता है इन सिलाजेनेला एट्रोविरिडिस द मेटाजाइलम इज क्रिसेंट्रिक विद अ नंबर ऑफ प्रोटोजाइलम स्ट्रैंड सिचुएटेड ऑन द कॉनकेव एडैक्सियल साइड। मार्टिनसाई में देखने को मिला कि जाइलम कैसा है, एक्सार्च कंडीशन का। एक्सार्च कंडीशन का मतलब कि यहाँ पे क्या है कि प्रोटो मेटाजाइलम बीच में है और उसके चारों तरफ जो है प्रोटोजाइलम है, ठीक है, ऐसी कंडीशन को एक्सार्च कंडीशन कहते हैं। और फिर उसके बाद जो है सिलाजेनेला एट्रोविरिडिस में क्या है, मेटाजाइलम जो है क्रिसेंट्रिक है यानी कर्व शेप का है विद अ नंबर ऑफ प्रोटोजाइलम स्ट्रैंड्स, यानी कि मेटाजाइलम जो है वो कर्व शेप का है और उसके चारों तरफ जो है प्रोटोजाइलम है और प्रोटोजाइलम की स्ट्रैंड्स हैं, कैसी हैं, कॉनकेव एडेक्सियल साइड पे वो प्रेजेंट है। फिर उसके बाद कुछ स्पीशीज में कैसा बता रहा है कि इन सिलाजेनेला क्रोशियाना पोल्ट्राई प्रोटोजाइलम इज मेजाक कंडीशन की है। प्रोटोजाइलम कैसा है, मेजाक कंडीशन का, यानी कि सेंट्रोजाइलिक है, सेंटर में प्रोटोजाइलम प्रेजेंट है और मेटाजाइलम उसके चारों तरफ है। तो ये हमारा स्ट्रक्चर हो गया, स्ट्रक्चर को भी एक बार पढ़ लेते हैं। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था, सर्कुलर आउटलाइन है, जैसे सेम इंटरनल स्ट्रक्चर रूट का है उसी तरह राइजोफोर का भी है। तो सर्कुलर आउटलाइन है और सबसे बाहर की लेयर क्या है, एपिडर्मिस। एपिडर्मिस के बाहर एक लेयर है थिक क्यूटिकल की, है ना, क्यूटिकुलर सेल है तो ये क्यूटिकल की थिक लेयर है। फिर उसके बाद जो हमारा कॉर्टेक्स एरिया है, कॉर्टेक्स वाला रीजन है, उसमें दो टाइप के सेल हैं, बाहर एपिडर्मिस साइड वाले जो है स्क्लेरेनकाइमेटस है, यहाँ पे आप समझ रहे होंगे ये वाला स्क्लेरेनकाइमेटस सेल प्रेजेंट है, और अंदर के साइड एंडोडर्मिस के साइड जो है पेरेनकाइमेटस सेल प्रेजेंट है। फिर एक अंदर एक लेयर है एंडोडर्मिस, एंडोडर्मिस के ये सिंगल लेयर है, सिंगल सेल की एक लेयर है। फिर उसके बाद एक सेल, एक पतली सी लेयर आती है पेरिसाइकिल की, पेरिसाइकिल के अंदर हमारा जो है प्रोटो स्टील प्रेजेंट है। प्रोटो स्टील का मतलब क्या है कि एक सिंगल स्टील है जिसमें कि जाइलम बीच में है और फ्लोएम ने उसके चारों तरफ, फ्लोएम ने उसको घेर रखा है। तो जाइलम किस टाइप का है, मेजाक कंडीशन है, यानी कि प्रोटोजाइलम बाहर की तरफ है और मेटाजाइलम अंदर की साइड है। तो ये जो है हमने टीएस देखा, यानी ट्रांसवर्स सेक्शन जो है राइजोफोर का देखा है। तो इस पार्ट में हमने राइजोफोर के बारे में कि राइजोफोर होता क्या है, उसका मॉर्फोलॉजिकल नेचर के बेसिस पे क्या क्या हाइपोथेसिस दी गई हैं, अलग अलग लोगों ने अलग अलग हाइपोथेसिस दी है, और उसके इंटरनल स्ट्रक्चर की बात करी है। अब हमारा जो नेक्स्ट वीडियो होगा, यानी कि सिलाजेनेला का जो थर्ड पार्ट होगा, उसमें हम उसके इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ रूट, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ स्टेम एंड इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ लीफ के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे।